ये दोस्तों देख लीजिए इस बैग्स में, ये बैग में जो प्रॉब्लम आ रखी है कैसे इससे पूरा डैमेज कर रखा है। ये एक और हमारी बड़ी प्रॉब्लम है जो हमें मतलब हमारे मशरूम फार्म में आती है। ये देखिए दोस्तों, ये इस बैग्स की बहुत बुरी हालत कर रखी है। सारा का सारा आप नीचे देख लीजिए, पूरा स्ट्रॉ जो इसके अंदर का बाहर निकाल दिया और इतनी बुरी हालत कर दी है। हेलो दोस्तों, मैं विकास चमोली और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल द मशरूमर्स में। दोस्तों इस बार हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे हम अपने मशरूम बैग्स को कैसे ऑब्जर्व करते हैं टाइमली, हर दो चार दिन बाद या हर एक हफ्ते में जो है मशरूम बैग को ऑब्जर्व करते रहते हैं कि क्या हमारे बैग्स में प्रोग्रेस है, क्या ग्रोथ हो रही है हमारे माइसिलियम की। तो इस बार हम आपको लेके आए हैं यहाँ रूम में, जहाँ हम आपको दिखाएंगे कि हमारे बैग में कैसे माइसिलियम फैल रहा है और क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स आ रही है और क्या क्या जो है हम कर रहे हैं ताकि माइसिलियम हमारा अच्छे से रन करे। तो दोस्तों इस वीडियो यही सब जानेंगे, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप जैसे देख रहे हैं मेरे पीछे मशरूम के बैग्स लगे हुए हैं और इनमें थोड़ा बहुत जो है माइसिलियम रन भी हो चुका है। तो इस तरह से देखिए आप पूरा रूम, इसमें हमारे बैग्स लगे हुए हैं और सभी में थोड़ा थोड़ा माइसिलियम रन हो रखा है। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कैसे हमने इसमें मशरूम बैग्स को जैसे हमने यहाँ रखा, तो क्या हमने यहाँ टेम्परेचर कंडीशंस रखी और क्या हमने कोशिश की कि माइसिलियम रन जो हमारा अच्छे से अच्छा हो सके। तो दोस्तों सबसे पहली कंडीशन जो माइसिलियम रन को होने के लिए चाहिए, वो चाहिए एक डार्क रूम, जहाँ जिस रूम में अंधेरा हो। तो अगर रूम में आपने अंधेरा अच्छा मेंटेन करा हुआ है तो ये माइसिलियम रन को फेवर करता है और अच्छा माइसिलियम रन हमें मिलता है। और दूसरी चीज़ दोस्तों टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर माइसिलियम रन के लिए जनरल जो फ्रूटिंग का टेम्परेचर चाहिए होता है उससे हमें ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है माइसिलियम रन के लिए। तो दोस्तों टेम्परेचर का सीधा रिलेशन माइसिलियम रन के साथ ऐसा है कि अगर हम टेम्परेचर ऑप्टिमम प्रोवाइड कराते हैं, जो कि 30 डिग्री सेल्सियस माना जाता है मशरूम ग्रोविंग में, तो जैसे वैरायटी में फिलहाल बात करूँ फ्लोरिडा की, फ्लोरिडा वैरायटी जो कि जनरली यूज़ होती है हमारे उसमें, तो फ्लोरिडा वैरायटी में 30 डिग्री सेल्सियस पे आपको 15 दिन में आपका कंप्लीट माइसिलियम रन हो जाता है। तो टेम्परेचर रिलेशन माइसिलियम रन के साथ ऐसा है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम करेंगे, मतलब जैसे जैसे उसे हम कम टेम्परेचर देंगे माइसिलियम रन पीरियड के दौरान, तो वैसे वैसे जो उसका माइसिलियम रन पीरियड बढ़ता जाएगा। अगर आप 30 डिग्री सेल्सियस दे रहे थे, आपको 15 दिन में जो है माइसिलियम रन बैग्स में कंप्लीट मिल रहा था, तो वही चीज़ अगर आप 20 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड कराते हैं टेम्परेचर, तो वही चीज़ हमारी 15 दिन से बढ़ के 20-25 दिन हो जाती है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर और घटाएंगे वैसे वैसे हमारा टाइम ज़्यादा बढ़ते जाएगा माइसिलियम रन पीरियड के लिए। तो इसमें एक दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ आती है कि हम जो अभी यहाँ मशरूम ग्रो कर रहे हैं वो विंटर में ग्रो कर रहे हैं, जिस टाइम पे कि हमारा टेम्परेचर 5 डिग्री तक भी जाता है, 5 डिग्री सेल्सियस तक, और ऐसे में हमें माइसिलियम रन करवाना, तो ये हमारे लिए एक चैलेंज था जिसके लिए हमने जो है हमने अदर वैरायटीज़ भी लगाने की कोशिश की, जो विंटर जिसे बोलते हैं विंटर स्ट्रेन, जो कि हमारा विंटर में अच्छी ग्रोथ देता है, वो भी हमने लगाया है, विंटर स्ट्रेन भी हमने लगाए। और जो है हमने अपनी तरफ से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए भी कुछ ना कुछ किया, जैसे कि हमने यहाँ पे हीटर और हीटर ब्लोवर टाइप का हमने इसमें लगा दिया, आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अभी चल भी रहा है यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा हम इस हीटर को लगभग 2 घंटे हम इसे चलाते हैं। 2 घंटे चलाने से क्या होता है दोस्तों कि कुछ टाइम 2 घंटे तो इसने एक रूम का टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन रखा, ये रूम ये हीटर ब्लोवर चलने से जो है 4 से 5 डिग्री तक रूम का टेम्परेचर बढ़ा देता है। तो अगर मिनिमम किसी दिन में हमारा मिनिमम टेम्परेचर 5 जा रहा है, तो उस टाइम पे हम ये है लगभग इसे हम 9 तक मेंटेन रख सकते हैं, और अगर मैक्सिमम दिन में 10 या 12 जाता है तो वो चीज़ हम 15-16 तक पहुँचा सकते हैं। तो इतना हम इस चीज़ से मेंटेन करते हैं। और क्योंकि माइसिलियम रन के लिए बेस्ट टेम्परेचर दोस्तों 30 डिग्री सेल्सियस होता है, ऐसे में 15 डिग्री सेल्सियस में माइसिलियम रन करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए क्योंकि और दिनों के कंपैरिजन और जो हमारी गर्मियों के टाइम की कंपैरिजन या अदर मंथ जिसे बोलते हैं मार्च अप्रैल मई जून, जब भी हम ये सितंबर में कभी लगाते हैं जहाँ पे बेस्ट टेम्परेचर रहता है, उसके कंपैरिजन में इस टाइम पे नवंबर दिसंबर में जो अभी हम फार्मिंग कर रहे हैं बहुत माइसिलियम स्लो रन होता है। तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं जो हमारे बैग्स अभी लगे हैं दोस्तों, इनमें माइसिलियम रन होने में अभी तक 1 महीना हमें पूरा हो चुका है, और तब जाके जो आप देख रहे हैं इसमें इतना माइसिलियम रन हुआ है। तो ये दोस्तों एक मैंने आपको जैसे बताया 2-3 कंडीशंस कि एक हमें रूम को डार्क रखना है, दूसरी चीज़ हमें जो है टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, थोड़ा बढ़ा के रखना है हमें जितना भी आपके अंदर विंटर्स में खासकर हमें टेम्परेचर पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और तीसरी चीज़ दोस्तों है कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आपका रूम प्रॉपर बंद रहेगा, आप फ्रेश एयर नहीं प्रोवाइड कराओगे रूम में, तो अपने आप ही जो है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, जो कि माइसिलियम रन को फेवर करती है। तो ये दोस्तों 3 चीज़ें रखने के बाद जो है हमारे 1 महीने बाद हमारे बैग्स की कंडीशन अभी ऐसी है। चलिए मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ अपने बैग्स, कुछ हम ऑब्जर्व करते हैं कि इनमें कैसा कैसा माइसिलियम रन हो रखा है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे कुछ बैग्स, ये जैसे ये देखिए आप, ये पूरा वाइट हो रखा है रन, नीचे भी पूरा अच्छे से वाइट रन हो रखा है, और ऊपर के कुछ बैग्स आप देखेंगे इसमें बहुत पैची ग्रोथ है, इसमें बहुत कम माइसिलियम रन हुआ है। तो ये दोस्तों ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो आती है, और इसका जैसे कि मैं आपको अभी रीज़न भी बताऊँगा क्यों ऐसा हुआ है। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमने इसमें 2 वैराइटीज़ लगाई हुई है,
एक हमने इसमें दोस्तों विंटर स्ट्रेन लगाया हुआ है, दोनों ही विंटर स्ट्रेन है, एक है PMSL 93 और दूसरा इसमें लगाया हुआ है किंग ओइस्टर। किंग ओइस्टर दोस्तों बहुत पॉपुलर नाम है, आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। तो इस विंटर में फार्मिंग करने के लिए बेस्ट वैरायटी ये मानी जाती है। तो इसने भी जो है, इस विंटर स्ट्रेन ने भी जो है लगभग एक महीना लगा दिया माइसलमरन होने में। तो ये दोस्तों एक तो ये पहली दिक्कत थी जो हमें आती है विंटर के टाइम पे फार्मिंग करते हुए। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जैसे आप ये देख रहे हैं इन बैग्स में, जैसे मैंने बताया कि किसी किसी में पैची ग्रोथ हो रखी है, अभी बहुत अच्छे से माइसलम फैला नहीं है। दोस्तों इसका एक रीज़न यह है कि हो सकता है, जैसे मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया था स्पॉनिंग वाली में, कि जैसे अगर हम मशरूम जो भरते हैं, मतलब इसमें स्ट्रॉ जो भरते हैं, अगर वो ज़्यादा गीला रह जाए, उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो जाए, तो वो चीज़ जो है उस वजह से माइसलमरन स्लो हो जाता है। अगर इसमें बीच में कुछ ऐसे कुछ स्ट्रॉ के पीसेज आ गए जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा था, तो वहाँ पे माइसलमरन नहीं हो पाएगा। इसलिए आप देख सकते हैं कि कुछ बैग्स में तो माइसलमरन अच्छे से नहीं हुआ है और कुछ बैग्स में अच्छे से हुआ है। तो जिनमें मॉइस्चर बहुत अच्छे से होगा और स्ट्रॉ क्वालिटी बढ़िया होगी, अच्छा सा स्ट्रॉ भरा होगा, तो उनमें माइसलमरन अच्छा हुआ है। तो दोस्तों आप ये देखिए, और पीछे हमारे जैसे बैग्स लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें जो जैसे हमारी जो मैंने बताया आपको विंटर स्ट्रेन हमने लगाया है PMSL 93 ऊपर और नीचे पे हमने लगाया हुआ है किंग ओइस्टर। तो इनका ये विंटर स्ट्रेन है, इनको लगभग इतना ही टेम्परेचर, लगभग 5-6 डिग्री या कह ये मिनी, मतलब 5-6 डिग्री तक जो है ये टेम्परेचर पे भी ये फ्रूटिंग दे देते हैं और मतलब अपनी ग्रोथ कर लेते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हमने ये विंटर वैरायटी इस टाइम पे चूज़ करी है। ये दोस्तों देख लीजिए इस बैग्स में, ये बैग में जो प्रॉब्लम आ रखी है, कैसे इससे पूरा डैमेज कर रखा है। ये एक और हमारी बड़ी प्रॉब्लम है जो हमें मतलब हमारे मशरूम फार्म में आती है, ये है चूहों की दिक्कत। क्योंकि जहाँ पे भी हमने मशरूम बैग्स लगाए हैं, जहाँ पे माइसलमरन हो रहा है, जहाँ पे हमारे फ्रूटिंग रूम्स हैं, वहाँ पे चूहों का जो है बहुत ज़्यादा वो रहता है, डैमेज करते हैं वो बैग्स को। ये देखिए आप ये साइड में भी देख लीजिए, राइट में कैसे यहाँ इस बैग्स को डैमेज किया हुआ है। और भी दिखाता हूँ कितने, मतलब कितने उस तक इंटेंसिटी तक वो डैमेज कर सकते हैं बैग में, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये इस बैग्स की बहुत बुरी हालत कर रखी है, सारा का सारा आप नीचे देख लीजिए, पूरा स्ट्रॉ जो इसके अंदर का बाहर निकाल दिया और इतनी बुरी हालत कर दी है। तो इतना सब करने के बाद भी जो है, मतलब अगर आप बैग्स को इस तरह से हम हैंग कर रहे हैं, इतनी हाइट पे हैंग कर रहे हैं, तो चूहे जो है उस हाइट पे जाके भी बैग्स को डैमेज कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें चूहों का मैनेजमेंट, मतलब उनको रोकने के लिए, उनकी रोकथाम के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होता है। तो दोस्तों हमने आज की वीडियो में जाना कैसे हमारे मशरूम बैग्स में माइसलमरन होता है, क्या चीज़ें हमें चाहिए होती है, कैसे हमें टेम्परेचर मैनेज करना पड़ता है, कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का मैनेज करते हैं रूम के अंदर अपने रूम को क्लोज करके, और कैसे हम विंटर्स में हम जो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए अपने हीटर ब्लोवर्स का यूज़ करते हैं, और कितना जो है मतलब मॉइस्चर वगैरह हम किस तरह से बैग्स में रखते हैं कि माइसलमरन अच्छा हो, और क्या हमें दिक्कतें आती है माइसलमरन के दौरान, क्या क्या जैसे चूहों की प्रॉब्लम बताई हमने आपको, और जैसे हमने बताया कि मॉइस्चर की प्रॉब्लम, अगर मॉइस्चर हम ध्यान ना दें तो तब भी माइसलमरन करने में मशरूम बैग्स में प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों इतना सब जाना हमने इस वीडियो में, इसी तरह से हम दोस्तों जो भी कुछ नई चीज़ें हम जानेंगे और मशरूम से रिलेटेड जो भी हमें जानकारी होगी, हम आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मशरूम से रिलेटेड वीडियोस फ्यूचर में मिस नहीं करना चाहते हैं तो नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।